त्रिकोण वृत्ति ऊंचाई एवं दूरी संबंधी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसको हम आज देखते हैं। त्रिकोण वृत्ति ऊंचाई एवं दूरी संबंधी प्रश्न 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, मान लीजिए ये दृष्टि रेखा है जहाँ से ऊंचाई है, जहाँ से हम देखते हैं ये वस्तु नीचे है बी पर, तो ये दृष्टि रेखा जो होती है ये होती है जिसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से जो क्षैतिज रेखा होती है उसके बीच का और ये दृष्टि रेखा के बीच का कोण जो है कहलाता है अवनमन कोण। और ये जो बस दृष्टि जहाँ से देखते हैं वस्तु को वहाँ से ठीक नीचे बिंदु ए है जमीन पर, उसको हम कहते हैं ऊंचाई। और ये क्षैतिज रेखा जो होती है ये इसके समानांतर होती है, ठीक है, इसको ये क्षैतिज रेखा है, इसके समानांतर है क्षैतिज रेखा है जिसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण जो बनते हैं वो एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है ये कोण इसके कोण के बराबर होता है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की वस्तु को देखा जाता है तो वो दृष्टि रेखा कहलाती है जिसको कर्ण बोलते हैं, और जहाँ वस्तु रहती है ऊपर उसके ठीक नीचे का पॉइंट से इसको मिला देने पर एक क्षैतिज रेखा बनती है जिसको कहते हैं आधार, और ये जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं लंब, ठीक है। हम कुछ सूत्र देखते हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का ठीक उल्टा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा का ठीक उल्टा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, टेन थीटा का ठीक उल्टा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक वायुयान 7920 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वायुयान से हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम का टावर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। वायुयान और कंट्रोल टावर के बीच की दूरी क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। माना कि ये हमारा चित्र है, माना कि ये वायुयान है ए जो ऊपर उड़ रहा है, और टावर की स्थिति को हमने माना है टी, ये टावर की स्थिति है ए टी, ठीक है, और ए के ठीक नीचे की ऊंचाई बी है। वायुयान और टावर की स्थिति ए तथा टी है, ए के नीचे जमीन पर बिंदु बी है। वायुयान से टावर के बीच की क्षैतिज दूरी बराबर एक्स, ये वायुयान है इसकी लंबाई है, और ये टावर है इसकी ये क्षैतिज दूरी जिसको हमने एक्स मान दिया है, ठीक है। अब हम सूत्र लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है
आधार बटे लंब, ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कोण हमारा दिया है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार, आधार को हमने माना है एक्स और लंब जो है 7920 मीटर, ये इतनी ऊंचाई पे जो वायुयान की ऊंचाई है वो लंब कहलाएगा। या एक्स बराबर हो जाएगा 7920 इंटू कॉट 30, कॉट 30, ठीक है, एक्स बराबर हो जाएगा 7920 बराबर कॉट 30। कॉट 30 का मान होता है 3, ये कॉट 30 का मान होता है 3, और 3 का मान होता है 1.732, ये 3 का मान होता है। इसका हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13744 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा वायुयान और टावर के बीच की दूरी, ठीक है, क्षेत्रीय दूरी।